ठीक है, किशन स्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो व्हेन शी विल ज्वाइन, सो स्टार्ट करते हैं, समय बर्बाद नहीं ओके करते। ठीक है, तो टॉपिक आपको देख करके समझ में आ रहा होगा, ये प्राइस इलास्टिसिटी की बात हो रही है। तो इलास्टिसिटी का अगर यस हम सर, मतलब समझना चाहें तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है ना किसी चीज में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। प्राइस अगर बढ़ अच्छा रहा है तो क्वांटिटी डिमांड में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, कितना ज्यादा वो बढ़ सकता है उसको लेकर के एक्चुअली है। ये आप समझ के रखें कि ये फ्लेक्सिबिलिटी टाइप का चीज है। ठीक है, कितना फ्लेक्सिबल हो सकता है कोई चीज। तो एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद सूटेबल एग्जांपल्स। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स मेजर्स हाउ सेंसिटिव द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए गुड इज टू चेंज इन इट्स प्राइस, है ना। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो डिमांड है वो कितना चेंज हो रहा है जब आपके गुड्स के जो भी चीजें आपको खरीदनी है उसके प्राइस में कितना चेंज हो रहा है। मतलब सपोज आपका आलू का दाम, फॉर एग्जाम्पल आलू का दाम 20 रुपए है, 20 रुपए किलो है। अचानक से अगर उसकी प्राइसेस 15 रुपए किलो हो जाए तो जो उसका डिमांड था कि आप पहले 1 किलो खा रहे थे, अब चूंकि 15 रुपए किलो हो गया है तो आपका डिमांड हो सकता है कि बढ़ जाए, हो सकता है आप 1.5 किलो या 2 किलो ले लें क्योंकि उसकी प्राइसेस घट चुकी हैं। तो इलास्टिसिटी में वही है ना। बोला जा रहा है कि किसी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि जो प्रोडक्ट है वो कितना सेंसिटिव है। सेंसिटिव द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड इज टू चेंज इन इट्स प्राइस। उसके प्राइस में जब किसी तरह का चेंज आ रहा है तो वो कितना चेंजेस जो है उसके डिमांड में देखने को मिल रहा है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे बहुत तरह के प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं, एक करके करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, यूजीसी नेट में काफी क्वेश्चन ये जो है पूछा जाता है। ये टॉपिक बहुत ही कॉमन है, मतलब बहुत ही ज्यादा कॉमन है, ये सर, आता ही है और एग्जाम में भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि साथ ये टॉपिक आ जाए। ठीक है, ईच इंडिकेट। अब यहाँ पे बताया गया कि प्राइस इलास्टिसिटी बहुत तरह के होते हैं, मेनली तीन तरह के होते हैं, एक एक करके करेंगे हम लोग। ईच इंडिकेटिंग प्राइस ईच इंडिकेटिंग डिफरेंट डिग्रीज ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू प्राइस चेंजेस। और हर एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ जो 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 टाइप्स है वो हर एक जो है वो अलग अलग चीजों को दर्शाता है, का अलग अलग रिस्पॉन्स को दर्शाता है। हियर आर द मेन टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलोंग विद एग्जाम्पल्स। तो यहाँ कुछ बताए गए हैं यस टाइप्स। सबसे पहला है प्राइस इलास्टिक डिमांड, जहां पे ईडी जो है वो ग्रेटर देन वन होगा। ईडी इज इक्वल टू एस्टिमेटेड डिमांड। ठीक है, ईडी जो है आई मीन सॉरी इलास्टिक डिमांड, प्राइस इलास्टिक डिमांड इलास्टिसिटी ईडी इज ग्रेटर देन वन। हाँ आकांक्षा आपने ज्वाइन कर लिया ना, आवाज आ रही है। ठीक मॉर्निंग है, अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया है। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब मैं थोड़ा समझा देता हूँ। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना फ्लेक्सिबल है या कितना सेंसिटिव है उसके प्राइस के चेंज को लेकर के। सपोज आपके किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में जब कोई बदलाव होता है तो देखना उस चीज का जो डिमांड है वो बढ़ जाता है, तो कितना बढ़ रहा है, या उसके प्राइस में जब चेंजेस हो रहे हैं तो क्या वो घट जा रहा है या सेम रह रहा है, इसको लेकर के हम पढ़ेंगे। और यही हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग अभी करने वाले हैं प्राइस इलास्टिक डिमांड, वेयर ईडी इज ग्रेटर देन वन। जो इलास्टिक डिमांड होगा वो 1 से ज्यादा होगा। व्हेन द परसेंटेज चेंज, यहाँ पे ध्यान दो, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मतलब आपका जो चेंज है वो परसेंटेज वाइज अगर हम उसको नापने की कोशिश करें, मेजर करने की कोशिश करें, तो जब वो चेंज डिमांड में हुए चेंज से जो प्राइस में चेंज हुए चेंज से ज्यादा होगा तो हम क्या बोलेंगे। जैसे कि मान लो आलू के प्राइस की मैं अभी बात कर रहा था, 20 रुपए का सामान 15 रुपए में मिल रहा है ना, तो 25% का चेंज हुआ है, राइट। 25% का चेंज यहाँ पे प्राइस में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। लेकिन जब 25% का चेंज हुआ तो जो उसका क्वांटिटी डिमांड था सपोज उसमें 30 या 30 से ज्यादा परसेंटेज का चेंज होने लगा, तो वहां पे क्या हुआ, ईडी जो है वो इज ग्रेटर देन वन कहलाएगा, क्योंकि जो आपका चेंज है डिमांड में वो ज्यादा है आपके परसेंटेज चेंज इन प्राइस के मुकाबले। ठीक है, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर सिग्निफिकेंट देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, डिमांड इज सेड टू बी रियल प्राइस इलास्टिक। जो डिमांड होता है वो प्राइस इलास्टिक होता है, सही बात है। प्राइस प्राइस के कारण ही एक्चुअली डिमांड होता है। कोई अच्छी चीज की प्राइस अगर घट जाएगी तो हम लोग उस चीज को ज्यादा खरीद लेंगे, सिंपल सी बात है ना। तो डिमांड इज सेट टू बी प्राइस इलास्टिक। इन दिस केस कंज्यूमर्स आर हाईली रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंजेस। अब जब यहाँ पे जब प्राइस में चेंज मतलब प्राइस में चेंज होने के कारण जब क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा है, तो उस केस में जो प्रोडक्ट होगा
उसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है कस्टमर्स के बीच में काफी ज्यादा है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे बताया गया एग्जाम्पल के तौर पे, लग्जरी गुड्स लाइक हाई एंड स्मार्टफोन्स और डिजाइनर क्लोथिंग टेंट टू हैव प्राइस इलास्टिक डिमांड। ठीक है ना, ये दोनों चीजें चाहे वो स्मार्टफोन हो या अच्छे कपड़े हो, जब भी इसकी प्राइसेस गिरती है तो इसका डिमांड जो है मार्केट में थोड़ा बहुत नहीं बढ़ता। सपोज 10% गिरा है लेकिन डिमांड मार्केट में 20-30% तक बढ़ जाता है, ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो जो लग्जरी गुड्स है उस केस में प्राइस इलास्टिक डिमांड जो है वो काम आएगा, वो नियम जो है यहाँ पे लागू होगा। कंज्यूमर्स में सिग्निफिकेंटली रिड्यूस देयर परचेज इफ देयर प्राइसेस राइज। इसका उल्टा, जब उसकी प्राइसेस बढ़ जाती है तो कस्टमर क्या करता है, उसके प्राइस उसको लेना कम कर देता है। ठीक है, एक नंबर, आई होप कि क्लियर हो गया। वो कोई डाउट है एक नंबर में? नो सर, आसान है, कितना कुछ खास नहीं है, बस ये ईडी वाला जो है पॉइंट वो याद रखिएगा। ईडी इज ग्रेटर देन वन, प्राइस इलास्टिक डिमांड। दूसरा है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जहां पे ईडी इज इक्वल टू वन होता है। और तीसरा जो है वो लेस देन वन होगा। ठीक है, प्राइस इन इलास्टिक डिमांड, वहां था इलास्टिक, यहाँ है इन इलास्टिक। ठीक है, लेस देन वन, ये तीन ही मेन होता है और यहाँ पे और भी है बहुत सारा, खैर की करके करेंगे। एक नंबर हुआ है, दूसरा नंबर है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, सो व्हेन द प्राइस चेंज, अब यहाँ पे देखो बराबर रह रहा है, मतलब 10% का चेंज अगर प्राइस में हो रहा है तो 10% का चेंज हम लोग को डिमांड में भी देखने को मिल रहा है, मतलब बहुत सेम है, तो उसको हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। व्हेन द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, राइट, सेम है, डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक, तो उसको हम कहेंगे जो डिमांड है वो हमारा यूनिटरी इलास्टिक है। ठीक है, टोटल स्पेंडिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद प्राइस चेंजेस। प्राइस चेंजेस जो भी होगा आपका टोटल स्पेंडिंग उसके साथ कॉन्स्टेंट बना हुआ रहेगा, फिक्स्ड बना हुआ रहेगा। इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डबल्स, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर डबल हो जाता है बट द कंज्यूमर्स कंटिन्यू टू बाई द सेम क्वांटिटी, द डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक। क्या हो रहा है, जैसे कि आलू प्याज का नंबर ले लो, ये जो है हमारा डेली नीड्स में है, या डेली नीड्स में चावल आटा इन सबको ले लेते हैं, इनकी प्राइसेस अगर बढ़ भी जाएंगी तो क्या हम लोग इसको खाना कम कर देंगे? नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को देखने को हम लोगों को मिल रहा है कि प्राइसेस डबल क्यों ना हो जाए, ट्रिपल क्यों ना हो जाए, लेकिन चावल और आटा तो हम लोग को खाना ही है ना, तो यहाँ पे यूनिटरी इलास्टिक में ये आ जाएगा। तीसरा है प्राइस इन इलास्टिक डिमांड, जो परसेंटेज चेंज है वो कम होगा, मतलब आपके सामान में जो भी चेंजेस हुआ, अगर 10% का चेंज हुआ है तो आपके डिमांड में जो चेंज होगा वो कम होगा, उससे 10% से कम होगा, 9, 8, 7 कुछ भी हो सकता है पर कम होगा। ठीक है, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। ठीक है, प्राइस में जो चेंजेस हुआ है 10% 20% का, उससे कम आपके डिमांड में चेंजेस होगा प्राइस इन इलास्टिक डिमांड के केस में। प्राइस डिमांड इज इन इलास्टिक, इन दिस केस कंज्यूमर्स आर नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंजेस, है ना, यहाँ पे कस्टमर जो है बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ जाएंगे, नेसेसिटीज लाइक सॉल्ट और बेसिक ग्रोसरीज ऑफन हैव इन इलास्टिक डिमांड। एग्जाम्पल्स के तौर पर बहुत अच्छा बताया गया कि ग्रोसरीज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सॉल्ट यहाँ पे बोला गया स्पेशली, क्योंकि नमक जो है आप तो ज्यादा नहीं खाओगे ना, प्राइस का उसका कितना ही घट क्यों ना जाए, आप ज्यादा नहीं खाने वाले हो, तो वो चीज यहाँ पे है, ये यहाँ पे प्राइस इन इलास्टिक डिमांड के केस में आएगा। चौथा है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब ये जो ईडी इज इक्वल टू साइन है, ये इसका मतलब है इन्फिनिटी। ठीक है, ये इन्फिनिटी का साइन है, लेट्स सी यहाँ पे क्या बोला गया है। इन दिस एक्सट्रीम केस एनी इंक्रीज इन द प्राइस रिजल्ट्स इन कंज्यूमर्स बाइंग नन ऑफ द गुड। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे मतलब एक्सट्रीम केसेस में, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता, बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में ऐसा होता है या रेयर केसेस में ऐसा होता है बोल सकते हो, कि जब प्राइस में किसी भी तरह का बदलाव आ रहा है तो कंज्यूमर जो रिजल्ट इन कंज्यूमर्स बाइंग नन ऑफ द गुड। ठीक है, लोग गुड्स को खरीद ही नहीं रहे हैं, मतलब ले ही नहीं रहे हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज रेयर, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बहुत ही रेयर होता है एंड ऑफन थ्योरेटिकल। एन एग्जाम्पल माइट बी, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, अ स्मॉल फ्रूट स्टैंड। देखो रेयर बोला गया यहाँ पे, कभी कभी होगा, ऐसा नहीं कि हमेशा होगा, कभी कभी हम लोग को देखने को मिलता है। स्मॉल फ्रूट स्टैंड इन द मार्केट दैट सेल्स आइडेंटिकल एप्पल्स टू अदर वेंडर्स एट अ फिक्स्ड मार्केट प्राइस, इफ द वेंडर रेजेस द प्राइस इवन स्लाइटली, कंज्यूमर्स विल बाय ऑल देयर एप्पल्स फ्रॉम अदर वेंडर। ये एक्चुअली हम कंज्यूमर्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, एक तरह से रिटेलर और होलसेलर की बात हो रही है। सपोज कोई होलसेलर है, वो कोई सामान उसका बेच रहा है,
अब उसके सामान के प्राइसेस में जब वो किसी भी तरह का बदलाव आएगा, अगर हल्का सा भी बदलाव लाएगा, सपोज उसका सामान जो है 10 लाख में मिल रहा था प्रॉपर जितना वो लेता था वेंडर, ठीक है, अब उसकी प्राइसेस अगर 50,000 रुपए और बढ़ गई, 10,50,000 हो गई, तो वो क्या करेगा, वो वहां से खरीदेगा ही नहीं, वो किसी और वेंडर को ढूंढेगा जो कि उसके डिमांड वाले प्राइस पे उसको सामान को दे दे, ठीक है। सो यहाँ पे कंज्यूमर की बात नहीं हो रही है, 3 नंबर वाले पॉइंट तक कंज्यूमर की बात हो रही थी, मतलब हमारी बात हो रही थी कि हमारा किस तरह का डिमांड रहता है, हमारा किस तरह का बिहेवियर रहता है जब प्राइस में किसी भी तरह के चेंजेस होती हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जनरली हमारे ऊपर लागू नहीं होगा, ये लागू होगा वेंडर्स के ऊपर जो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अब एक जी सामान तो बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, अब जब मैं किसी आदमी के पास अपना सामान लेने के लिए जाऊंगा, वो अगर प्राइस ज्यादा बढ़ा करके बोलेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं 2-3 दुकान और घूम लूंगा कि भाई चलो देख लेते हैं वहां पे क्या प्राइसेस है, राइट। तो वहां पे वो चीज बिल्कुल जो है यहाँ पे काम आएगा। अब स्मॉल, इसको फिर से कर लेते हैं, स्मॉल फ्रूट स्टैंड इन द मार्केट दैट सेल्स आइडेंटिकल एप्पल, सेम तरह का एप्पल बेच रहा है, मतलब एक आदमी जो एप्पल बेच रहा है दूसरा आदमी भी वही एप्पल बेच रहा है, तो उस केस में जो वेंडर होगा वो फिक्स मार्केट प्राइस पे सामान लेगा। अब वहां से अगर वो हल्का सा भी प्राइस बढ़ा लेता है तो वो बंदा उससे सामान नहीं लेगा, वो कहीं और चला जाएगा। इफ द वेंडर रेजेस द प्राइस इवन स्लाइटली कंज्यूमर्स विल बाय ऑल देयर एप्पल्स फ्रॉम अदर वेंडर्स, ठीक है। 5वां नंबर पॉइंट है, यहाँ पे कंज्यूमर्स में एक्चुअली हम हमारे तरह के कंज्यूमर्स भी आ जाएंगे, और जो जो होलसेलर नहीं जो रिटेलर है वो भी वहां पे आ जाते हैं, ठीक है। 5वां नंबर पॉइंट है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ईडी इज इक्वल टू 0, तो इलास्टिक डिमांड है वो आपका 0 हो जाएगा इन दिस एक्सट्रीम केस। ये भी देखो एक्सट्रीम केस है, ये भी बहुत रेयर देखने को हम लोग को मिलता है। तो क्वांटिटी डिमांड रिमेन्स कॉन्स्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस चेंज, प्राइस में किसी भी तरह का चेंज हो जाए जो जो क्वांटिटी डिमांड है वो हमेशा सेम बना हुआ रहेगा। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज ऑल्सो रेयर एंड थियोरिटिकल, ये जो है ये भी बहुत रेयर होता है और थियोरिटिकल सिर्फ है कि ऐसा होता है, प्रैक्टिकल ऐसा देखने को बहुत ही कम मिलता है। एग्जाम्पल माइट बी लाइफ सेविंग ड्रग्स, मुझे लग ही रहा था ये एग्जाम्पल होगा, ठीक है, मतलब इसकी प्राइसेस, अब लाइफ सेविंग ड्रग कोई एक ऐसा दवा है जिससे किसी की जान बच सकती है, अब उस दवा की प्राइसेस कितनी भी क्यों ना हो जाए लोग उसको खरीदेंगे, सिंपल सी बात है ना, वही बात यहाँ पे बोली गई है। बराबर लाइफ सेविंग ड्रग्स और क्रिटिकल मेडिकल ट्रीटमेंट्स, इवन इफ द प्राइसेस इंक्रीज सिग्निफिकेंटली पीपल विल पे व्हाट एवर इट टेक्स टू एक्सेस देम बिकॉज दे हैव नो सब्स्टिट्यूट, क्योंकि उनके पास और कोई चारा बराबर है ही नहीं, ठीक है। तो ये 5वां पॉइंट है। चौथा और 5वां थोड़ा सा रेयर है, ऐसा हमेशा नहीं होता, बट ऐसा देखने को मिलता है, किसी किसी चीज में ऐसा देखने को मिलता है। अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वाइटल फॉर बिजनेस टू मेक प्राइसिंग डिसीजन, अब किसी भी बिजनेस के लिए ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वाइटल फॉर बिजनेस टू मेक प्राइसिंग डिसीजन, आपके प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होगी, कितनी होनी चाहिए, है ना, इस चीज के लिए आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी को समझना होगा, है ना। एसेस द इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन, इसका टैक्सेशन के ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट है। प्रिडिक्ट कंज्यूमर बिहेवियर व्हेन प्राइसेस चेंजेस, जब आपके प्राइस में किसी भी तरह का बदलाव होगा आपके प्रोडक्ट की प्राइस में, तो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है उसमें किस तरह का बदलाव हम लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज एग्जिबिट वेरिंग डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, जो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज है वहां पे भी मतलब अलग अलग तरीके का हम लोग को देखने को मिलता है, हर प्रोडक्ट के ऊपर एक तरह का चेंजेस जो है देखने को हमें नहीं देखने को मिलेगा, वही बात यहाँ पे बोलेगी कि वेरी करता है चीजें। इन्फ्लुएंसिंग हाउ बिजनेस सेट देयर प्राइसेस, अब इसी चीज के कारण जो बिजनेसेस होती हैं वो अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को अकॉर्डिंगली रखती हैं, चेक करके अच्छे तरीके से जांच करके कि क्या होना चाहिए, तब जा करके वो रखती हैं। बिजनेसेस सेट देयर प्राइसेस एंड प्लान देयर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। काफी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, 5 मार्क्स में तो आप पक्का एक्सपेक्ट करो कि आ जाएगा, एंड अगर ये आता है तो इतना मुश्किल भी नहीं है, बस नाम याद रखना है और ईडी इज इक्वल टू वाला याद रखिएगा तो ऑटोमेटिक आप लिख लीजिएगा। ग्रेटर देन वन जब चेंजेस होंगे, जब जो चेंजेस हो रहे हैं प्राइस में उसका क्वांटिटी डिमांड के मुका क्वांटिटी डिमांड का प्राइस जो सॉरी क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज है वो ज्यादा होगा प्राइस के चेंज के मुकाबले, तो ईडी इज इक्वल टू 1 होगा, ईडी इज इक्वल सॉरी ईडी इज ग्रेटर देन 1 होगा। ईडी इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब दोनों चीजें सेम होंगी, आपके प्रोडक्ट की प्राइसेस डबल ही क्यों ना हो जाए आप उस चीज को खरीदना चालू ही रखोगे, तो यहाँ पे इट इज इक्वल टू 1। लेस देन 1 जो आपका परसेंटेज चेंज इन डिमांड है वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस के मुकाबले हमेशा कम होगा, और ये इन्फिनिटी वाला केस तो मतलब रेयर है, बहुत ही कम। ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी व्हेन प्राइसेस जब है जो बहुत ही ज्यादा हो जाती है, तो भी जो आपका गुड्स है आप वहां पे कोई ज्यादा या कम भी हो जाती है तो भी आप उस चीज को नहीं खरीदते हो,
ठीक है। और पांचवा है कि प्राइसेस कितने भी क्यों ना हो जाए, आपको उस चीज को खरीदना है, इट इज इक्वल टू जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्राइसेस डबल हो गया ट्रिपल हो गया, क्योंकि वो जरूरी है, उसका कोई सब्सिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नहीं दिस वीडियो। कोई क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्डिंग? चलेगा, ठीक है, अगला लेक्चर थोड़ा देर बाद करते हैं, 9:15 से कर पाएंगे आप लोग? हेलो हाँ हाँ हेलो आकांक्षा, आवाज आ रही है? किशन, हेलो गाइस, हेलो किशन, आकांक्षा,